সমাগত লোকসভা নির্বাচনত 400খন আসনৰে পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। লোকসভাৰ অন্তিমটো ভাষণত এই উদ্দত্ত ঘোষণা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এন ডি এ 400খন আৰু বিজেপিয়ে অকলেই পাব 370খন আসন। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। 400খন আসন যদি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে পায় তেনেহলে কংগ্ৰেছলৈনো কেইখন আসন থাকিব? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মতে কংগ্ৰেছে 40খনমান আসন যেনেধৰণে পাব পাৰে। কংগ্ৰেছে যাতে 40খনমান আসন পাওক সেয়াই মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বুলি ৰাজ্যসভাত ব্যংগাত্মক কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত ৰাজ্যসভাত দিয়া অন্তিমটো ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি ক'লে, কংগ্ৰেছে যেনে তেনে 40খন আসন পাওক বুলি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মেনে ভি এক প্ৰাৰ্থনা কি হয়, আৰু প্ৰাৰ্থনা তো কৰ সকতে হয়, মই তো কৰতা ৰহতা হুঁ। পশ্চিম বংগাল সে আপকো জো চেলেঞ্জ আই হে, আর পশ্চিম বংগাল সে চেলেঞ্জ আই হে कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। আনহাতে এনডিএক 400খন আসন দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছক ধন্যবাদ জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपका आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। युवराज बुली कोई राहुल गांधी को तीक्ष्ण व्यंगात्मक आक्रमण प्रधानमंत्री। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अब वो नॉन स्टार्टर है। ना तो लिफ्ट हो रहा है, ना वो लॉन्च हो रहा है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे सम्मुखते ব্যংগাত্মক কটাক্ষ করিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। খড়গে জি কা বিশেষ আভার প্রকট করতা, বহুত ধ্যান সে সুন রা থা খড়গে জি উস দিন মে, আর এসা আনন্দ আয়া, এসা আনন্দ আয়া, এসা বহুত কম মিলতা হয়। লোকসভা মে তো কবি কবি মিল জাতা হয়, লেকিন আজকাল ও দূসরি ডিউটি পর হয় तो मनोरंजन कम मिलता है, लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है उस दिन आपने पूरी कर दी। कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया, और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। कांग्रेस लोय मूर दुख लगे, एने ता पुरोनी दलर एतिया ए अधपतनर बाबे
मोर दल दुख लगे राज्यसभा भाषण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ये जब सुनता हूँ उधर भी सुना इधर भी सुना मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल ऐसा पतन ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी पेशेंट खुद आगे क्या बोलूं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ लाइव।